हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे बालों को आप थोड़ा सा इग्नोर करना। एक्चुअली मैं इन्हें ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े अजीब से लग रहे होंगे वियर्ड से। तो इनको इग्नोर करके आज की वीडियो पे अच्छी तरीके से ध्यान देना, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है इमोलिन क्रीम के बारे में। तो आज मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूंगा इमोलिन क्रीम के बारे में, इसके बेनिफिट्स, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट्स, कौन सी एज ग्रुप को इसे यूज़ करना चाहिए, कौन सी एज ग्रुप को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो क्रीम है ना, ये देख लो आप, कुछ इस तरीके की दिखती है ये। ये बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है या कोई मॉइस्चराइजर है, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। ये आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई ऑइंटमेंट जैसा होता है ना, केमिस्ट शॉप में ऑइंटमेंट वगैरह मिलती है, तो उसी की तरीके की इसकी पैकेजिंग है, जो कि उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है देखने में। सो गाइज, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके की स्काई ब्लू ट्यूब में आता है, जिसमें ऊपर की तरफ इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम, इसकी ब्रांड नेम इमोलिन और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल मेंशन है। पीछे की तरफ भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेंशन है रिगार्डिंग कंपनी एक्सेट्रा। टेक्सचर की बात कर लेते हैं, सो जो क्रीम है इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट, वाटरी, माइल्ड क्रीम बेस्ड टेक्सचर है विद नो फ्रेग्रेंस एट ऑल। सो अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से एलर्जिक हो तो आप भी इसको इजीली यूज़ कर पाओ। सो गाइस, सिंस दिस क्रीम कंटेन्स प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भी है। सो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल बिलोंग करता है ह्यूमेक्टेंट्स की फैमिली को। ऑल्सो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल हेल्प करता है सीवियर और एक्सेसिव ड्राई स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने में। नॉट ओनली दिस, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल सीवियर ड्राई स्किन कंडीशंस लाइक जीरोसिस, एक्जिमा, इचियोसिस, न्यूरोडर्मेटाइटिस, प्रूराइटिस एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी सीवियर ड्राई स्किन कंडीशंस को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। नॉट ओनली दिस, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एक हाइपो एलर्जिक और नॉन ग्रीसी इंग्रेडिएंट है, विच अगेन वोंट ब्लॉक और क्लॉग योर पोर्स, जो कि इसको अगेन सूटेबल बनाता है कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन टाइप लोगों के लिए भी। सिंस मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, अभी भी आप देख सकते हो मेरी स्किन में जो ये थोड़ा बहुत ऑयल आपको दिख रहा है, सो मैं भी इस क्रीम को यूज़ करता हूँ और मुझे कोई साइड इफेक्ट इसके देखने को नहीं मिले। सो जो इमोलिन क्रीम है ना, ये आपकी जो स्किन के इनर सेल्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन और प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है। और अगर हमारी स्किन के जो इनर सेल्स हैं ना, वो अगर अच्छी तरीके से प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो वो उन्हीं के कारण हमारी जो आउटर स्किन होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लम्प, हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहेगी। क्योंकि जो मॉइस्चराइजर्स को यूज़ करने का मेन रीज़न क्या होता है, जो हमारी स्किन के इनर सेल्स होते हैं वहाँ पर हाइड्रेशन को बूस्ट करना, वहाँ पर मॉइस्चर को बूस्ट करना। और एक बार अगर आपके स्किन के इनर सेल्स में मॉइस्चर लॉक हो गया तो फिर आपकी स्किन ड्राई होगी ही नहीं। सो मेन रीज़न होता है मॉइस्चराइजर आउटर स्किन लेयर में यूज़ करने का, इनर स्किन सेल्स को डीपली हाइड्रेट करना, ताकि उनकी वजह से हमारी जो आउटर स्किन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लम्प, हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इमोलिन क्रीम। प्रोज से स्टार्ट करते हैं, मतलब मेरिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरिट मैं बोलूँगा, ये क्रीम में बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग है, क्योंकि हमारी स्किन के जो इनर सेल्स होते हैं वहाँ पर ये मॉइस्चर को बूस्ट करके मॉइस्चर को लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारी जो आउटर स्किन है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, सफल और प्लम्प लगती है। सेकेंड मैं बोलूँगा, ये जो क्रीम है एक नॉन ग्रीसी क्रीम है, इसका जो टेक्स्चर और इसका जो फील है वो बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, जो कि इसे सूटेबल बनाती है ऑल स्किन टाइप लोगों के यूज़ करने के लिए। थर्ड मैं बोलूँगा, ये जो क्रीम है हमारे फेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनाती है। फोर्थ मैं बोलूँगा, सिंस ये जो क्रीम है इसमें कोई भी और इन्ग्रीडियंट ऐड नहीं करा है प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल और प्रिजर्वेटिव के अलावा, सो ये जो क्रीम है एक नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम है, जो कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको फर्दर एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो ये जो क्रीम है ना, ये आपकी स्किन में जो छोटे छोटे बम्स वगैरह हो जाते हैं ना, स्मॉल बम्स, उनको भी ट्रीट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो कॉन्स में सबसे ऐसा कोई कॉन इसका है नहीं, जैसे इसका कॉन मुझे इसका प्राइसिंग लगा, क्योंकि ये जो क्रीम है ये 100 ग्राम क्रीम है और इसकी प्राइस 315 रुपीज़ है यहाँ पर मैंशन है। और पहले ये जो क्रीम थी ना, ये बहुत ज़्यादा सस्ती आती थी, 90 रुपये में आती थी इसका 50 ग्राम का पैक, और 180 रुपये में इसका 100 ग्राम वाला आता था, तो अब 315 रुपये का हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया है इन्होंने, शायद इसकी अवेलेबिलिटी ही इतनी है, लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने इसके प्राइस को बढ़ा दिया है, बट पहले काफ़ी ज़्यादा चीपर थी। सो प्राइस पॉइंट ही मुझे थोड़ा सा खटका इसका, बाकी चीज़ों में ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
सो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है। जस्ट आपको मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम इसे यूज़ करना है आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस, और एडिक्वेट अमाउंट में हाथ पे लेके इसको अच्छी तरीके से फेस में जेंटली सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। ज़्यादा ज़ोर से रगड़ के मत करना। और जब आप इसे अप्लाई करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी स्किन इंस्टेंटली कितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज हो गई है। और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्रेश और हाइड्रेटेड लग रही है, और एक ग्लो को भी ये बूस्ट करती है नेचुरल वाले। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलिए बात कर लेते हैं कि किन लोगों को इस क्रीम को यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन हो या आप लोग लैक्टेटिंग मदर्स हो, तब मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा इस क्रीम को। आप यूज़ करने से पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर फिजिशियन से कंसल्ट करो, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो ही इस क्रीम को यूज़ करो, अदरवाइज मत करो। सेकेंड मैं बोलूँगा, इफ़ यू गाइज आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, तो उस टाइम पे भी आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करो, उसी के बाद इस क्रीम को यूज़ करो, अदरवाइज मत करना। अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो खुद से चटक मत बनना, उनकी राय ज़रूर लेना। एंड थर्ड मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों को कोई भी एलर्जी वगैरह देखने को मिलती है इस क्रीम को यूज़ करने के बाद, तो इमीडिएटली आप इसको डिसकंटिन्यू कर देना यूज़ करना। और मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले पैच टेस्ट करो, अपने कान के पीछे या अपने हाथ पे कहीं पर भी पैच टेस्ट करो इसे, और अगर पैच टेस्ट में बिल्कुल सही रहता है तो ही आप इसे अपने फेस पे यूज़ करो, अदरवाइज मत करो। और अगर आपको पैच टेस्ट सही रहता है और फेस पे लगाने के बाद कोई भी एलर्जी देखने को मिलती है, तो इमीडिएटली फेस वॉश करो, इसे डिसकंटिन्यू कर दो यूज़ करना। जहाँ तक रीपर्चेजिंग की बात है, तो मैं तो इसको डेफिनेटली रीपर्चेज करूँगा। मुझे इसे यूज़ करते हुए काफ़ी दिन हो गया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने पहले भी इसे यूज़ करा है जब ये बहुत सस्ती आती थी, और मैं अभी भी इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो उस टाइम भी मुझे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, और अभी भी मुझे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट 28 डेज हो गए इसे यूज़ करते करते। एंड मैं डेफिनेटली रीपर्चेज करूँगा इस क्रीम को, क्योंकि ये जो क्रीम है ना बहुत अच्छी है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है लाइक पैराफिन, अल्कोहल, सल्फेट, मिनरल ऑयल, इस तरह का सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, जो कि इसे अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है यूज़ करने में। क्योंकि जब इसे यू में आप यूज़ करोगे, तो आपको कोई भी ऐसा डर या चिंता नहीं रहेगी कि आपकी स्किन को ख़राब कर देगी, या आपके क्या बोलते स्किन के इनर सेल्स को डैमेज कर देगी, आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। सो डेफिनेटली मैं इसको रीपर्चेस करूँगा, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि जब आप इसको ट्राई करोगे, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये, और आप लोग भी इसे डेफिनेटली रीपर्चेस करोगे। ऑल्सो अगर आप लोगों की एज 15 ईयर्स है या 15 ईयर्स से ज़्यादा है, तो ही आप इमोलिन क्रीम को यूज़ करना, अगर इससे कम है तो इमोलिन क्रीम को यूज़ मत करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरीके का नॉन स्पॉन्सर्ड ऑनेस्ट और रियल कॉन्टेंट देखते रहने के लिए। ऑल्सो अगर आप लोगों को सानफे का AHA BHA केमिकल पील पे डिटेल वीडियो देखना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो ही मैं उसकी वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैंने उसको शॉर्ट्स में अपलोड करा है, 1 मिनट की वीडियो। अगर आप लोगों को बड़ी डिटेल में चाहिए, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि करना है या नहीं करना है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना, मैं आपकी सारी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा, और आप लोगों को पूरी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा कि आप लोगों के मन में कोई भी शंका रहे इस क्रीम को लेकर।